कमिश्नरेट आगरा में पहली बार एसओजी टीम का गठन किया जा रहा है इसके लिए महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जल्द महिलाएं कमर कसेंगी जनपद में अब तक स्पेशल ऑपरेशन के लिए अपराधियों की धर पकड़ करने में एसओजी टीम में केवल पुरुष पुलिसकर्मी भर्ती किए जाते थे लेकिन यूपी में पहली बार आगरा पुलिस ने ऐसा प्रयोग किया है कि अब स्पेशल ऑपरेशन के लिए महिला कमांडोस को तैयार किया जा रहा है आगरा की 245 महिला बीट कांस्टेबल्स को एसओ में शामिल होने की ट्रेनिंग दी जा रही है इसके साथ ही आगरा में महिला एसओ विंग का गठन किया जाएगा इन महिला बीट कांस्टेबल में से 90 कांस्टेबल्स को सेलेक्ट कर एसओजी के लिए ट्रेंड किया जाएगा इनमें से स्पेशल 30 बीट महिला कांस्टेबल्स को कमांडो की ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो अपराधियों के छक्के छुड़ाने में कारगर होंगी मिशन शक्ति प्रभारी एस सुकन्या शर्मा ने बताया की पुलिस कमिश्नर के निर्देश आरोप कमिश्नरेट आगरा में पहली बार महिला एसओजी टीम का गठन किया जा रहा है इसके लिए महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है अपराधियों आरोप अंकुश लगाने के लिए जल्द महिलाएं कमर कसेंगी अपराधियों के छक्के छुड़ाने में कारगर भी होंगी सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ आइकन को प्रेस करना ना भूलें